हाय मोरे रामा मोरे राम ए भोले जोगिया परमात्मा एक कण कण तेरा बा करण करावन हार प्रभु सब कुछ तेरे पा अंग संग तुझको जान के ये दास करे अरदा राजा यदि राज हो मैं दासों के भाई साहब ये समर्थ परमात्मा ए निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सब काया था कण कण में है बसरा ये तेरा रूप ये पा तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार घट घट वासी है प्रभु ए अभिनाशी करता दया से तेरे हो सभी ए भवसागर से पार निराकार साकार तू ए जग के पालनहार बेअंत महिमा तेरी दाताय परम परम पिता परमात्मा ए सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण बड़े भाग्य मानुष तन पावा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा जात पात नहीं लिखे ना जात पात लिखे होते तो लिखते तन बड़े भाग तिवारी तन पावा बड़े भाग यादव तन पावा बड़े भाग गधा तन पावा लेकिन जो कुछ कहे सोच और समझ कहे मेरे कि आप लोग महान हैं कि समय दई के बैठा रहे सज्जन भैया कहे का ये 12 बजे रात भी रहा कराओ थे से बढ़िया तो नौटंकी सही रहा रुचि पहली बार मुलाकात भव अच्छी पुरनिया कहे हैं कि दिन भर हैरान है अगर संझा मिल जाए तो का हैराब नहीं कहते नहीं कहते न हाँ बहुत सुंदर आपका गायिका है आशीर्वाद बात छा है ठीक है ये गांव को बात है एक थे तू नहीं रही सावन में जानू चली गई अपने मैके मैके हाँ दुल्हवा कहता है ओकर का कहता जानता हूँ कही ऐसे सावन में दिल जनिया एक दिन घरे बोलू हाँ।
केहू करार बगिया में मिलने को एडवांस बा दुल्हन केहू करार बगिया में मिलन को कैसे भूल गऊ तू प्यारी भाव कहाँ बा जहाँ भजन बा जहाँ प्रेम बा बिरह में वो दुल्हन के दुल्हा कहता यह बड़े की आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा से जब नाता प्रेम मिलता है मास्टर साहब तब आत्मा के एक संस्कार बनत है केहू करार बगिया में मिलन को कैसे गइलू भुलाइए प्यारी बजनी न खरा देखाओ ये धनिया एक दिन घरे बोलऊ तो दुल्हा कहता दुल्हन से सुने वाले बाबू लेकिन भजन भगत के भाव में भगत जाके सतगुरु के चरण में कहता का कहता ए दातार ए मालिक आपके महिमा परम्पार बह है संसार में जब जब अत्याचार हुआ तब तब आपका कहा सतगुरु आई गए अवतारी पर उपकार हो भगत कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता चाहे माई के सुमिरन कहले चाहे ददा के कहले नदिया ये कहे लेकिन घाट बहुत तेरे सोखा महाराज बाबू न होते तो माया रह अकेले तो का होते हाँ। दोनों जने के बराबर का दर्जा दिया जाता है कहे सतगुरु से जब पावा गया मालिक से भवा पहचान तब मालिक से भवा पहचान बोलत सुनत बिना कान देखत हटत भरम अधियारी पर उपकार हो भैया ओ भगत कह रहा है अपने गुरुदेव के चरणों में सतगुरु कहे मालिक ए दातार महिमा आपका परंपार है जब जब अत्याचार हुआ है धरती पर तब तब आप अवतार लेके आए हर रूप बदल के आए का सतयुग में विष्णु बनी आए त्रेता में श्री राम कहाए त्रे
गीता में श्री राम कहाए द्वापर में कृष्ण खेल रचाए। महिमा आपको परम पार है, जितना बखान करी उतना कम बह है। कहाँ देखत हटत भरम अधियारी पर उपकारी हो रामा। बात के एक बात कबीर ने लिखा कि ईश्वर जीव ईश्वर्यंश जीव अविनाशी, परमात्मा हर जगह बा सर्वत्र बा है। ए मालिक कृपा है, जेकर जहां भक्ति बा जेकर जहां श्रद्धा बा मालिक ओके उतना देत हन। अब मालिक बेईमानी नहीं किया, परमात्मा पूरे संसार का रचना कर डाला साहब। मालिक ने पूरे संसार का रचना कर डाला एक साचा से। भाई साहब एक साचा से परमात्मा ने पूरे संसार का रचना कर डाला। इतना ही ना ही। आप लोग देखे हो वे बोली अलग चेहरा अलग और कलर भी अलग देखे है ना। आ और जौन इंसान का साचा है भट्ठा पर ईटा देख ले एक नंबर के एक कलर का लाखों ईटा के कर साचाया मनई के बना हुआ साचाया। और जौन परमात्मा बनाए साचा चेहरा अलग बोली अलग कलर भी अलग ओ के कर साचा परमात्मा। इतना ही ना है। मोहतारी गोरबा बापो गोरबा बेटवा के देख ले तो सांवर बा। तमाम लोग कह लागे सोखा भाऊ जी का यार तोर माऊ गोरबा तोर बबुओ गोर हन तो कैसे सांवर हो गया। का अपने मामा के पर केकर साचा या मालिक का साचा है। तो कहबे के भाव बाबू साहेब जेकर जहाँ श्रद्धा बा जेकर जहाँ प्रेम बा है चाहे माई के सुमिरन कर चाहे दादा के सुमिरन कर नदिया एक है लेकिन घाट बहुत। आखिरी लाइन गुरु घराने के परिचय में मास्टर साहब कहना पड़ा पहका हाय नयनवा में राम बस गए लागी बार बार हम बाबा के चरणवा नयनवा में राम बस गए। सकती बाटे कह गए दास पुकारी बलिहारी गुरु हमई बतावा दिए इशारा भारी। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं। यही बारे कहा गया कि है नियर सूझत नहीं दीर्घ दीर्घ ऐसे जिंद तुलसी संसार के हुआ मोतिया। फिर का मौका कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में हूँ भगवान तो तुहरे लगवाई है न। कोई आकार नहीं परमात्मा का आपकी नहीं स्वरूप और रूप लेके आए भगवान। कहाँ पार पार बाबा के सुमिर इतना रज हमारी स्वर्गी बाबा राम कैलाश का बाटा
आई पर नवा नया नवा में राम बसी गए। रामा